आपको आपको पता है, आपका भाई हर वीडियो में एक शेर बोलते हैं। आज का शेर है भाई, मैंने बीच में एक वीडियो देखी थी, आप परेशान हो गई है, क्यों खैरियत? परेशान तो बेटा हूँ, जिंदगी है, हालात है, आजकल महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत हो गई है, थोड़ा सा दाम बढ़ता है तो लोग मुझे आगे बताते आंटी आपने बहुत महंगा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत अच्छे होंगे। भाई न्यू वीडियो आपके भाई लेकर हाजिर हो गया है। आज से कुछ 1.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी आंटी सिंगर के नाम से, तो भाई उस पर आपके भाई ने भी कवर किया था, लेकिन अभी उन्होंने अपना बिजनेस एक्सटेंड कर लिया है, थोड़ा बढ़ा दिए, चाइनीज पे भी आ गई हैं। उधर चलने से पहले आपको आपको पता है, आपका भाई हर वीडियो में एक शेर बोलते हैं। आज का शेर है भाई, नमक हाथ में लेकर सितमगर सोचते क्या हो, हजारों जख्म है दिल पर, जहाँ चाहो छिड़क जाए। कहानी सुनो जुबानी। भाई शेर आपको पसंद आया, ठग इंस्टा पे फॉलो मारो अपने भाई को, आपका भाई ऐसे ही बहुत ही टाइट टाइट शेर बोलता रहता है और शेर के रील्स अपलोड करता रहता है इंस्टा पे, ठग फॉलो मारो। तो भाई अब आंटी के पास आ गए हम लोग चाइनीज ट्राई करने के लिए, देखते हैं। लेकिन आंटी का जो मैंने चिकन बर्गर खाया है उसका टेस्ट भाई मेरी जबान से नहीं उतरता, बहुत ही टाइट टेस्ट है। तो चलते हैं, अपना चिकन बर्गर तो मैं ज़रूर खाऊंगा, उसके बाद चाइनीज़ जो एक्सटेंड किया है आंटी ने वो चाइनीज़ भी खाते हैं। आ जाओ बस। मैंने बीच में एक वीडियो देखी थी, आप परेशान हो गई है, क्यों खैरियत? किस चीज़ की परेशानी? परेशान तो बेटा हूँ, जिंदगी है। हाँ बिल्कुल, जिंदगी में परेशानी आती जाती रहती है। आपने चाइनीज पे एक्सटेंड कर लिया, खैरियत? बस काम नहीं है ना, काम की वजह से चाइनीज को स्टार्ट किया कि थोड़ा काम चले। अच्छा, फास्ट फूड सही नहीं चल रहा था? फास्ट फूड बहुत कम हो गया। कम हो गया था जी। क्वालिटी आपने यकीन करें वही रखी हुई है? अच्छा क्वालिटी सब चीज़ है, लेकिन हालात है, आजकल महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत हो गई है, थोड़ा सा दाम बढ़ता है तो लोग मुझे आगे बताते आंटी आपने बहुत महंगा कर दिया। हाँ। आंटी कहाँ से महंगा करेगी? आंटी को अगर सामान महंगा मिलेगा बिल्कुल दो रुपये नहीं बचेगी, फायदा कि मैं दुकान पे लगाने। हाँ, और ये आप रोड साइड पे खड़ी हुई है, कार्ड रखा है आपने फूड कार्ड, लेकिन आपकी क्वालिटी एक रेस्टोरेंट जैसी है। मैंने बहुत जगह चिकन बर्गर खाए हैं, बिल्कुल वैसा सेम टेस्ट है। कौन पाओ चिकन आपका बड़ा टाइट था, यकीन करें, बहुत अच्छा चाइनीज शेफ रखा है आपने। मेरे को हस्बैंड। अच्छा आपके हस्बैंड है? अच्छा अच्छा, पहले नहीं होते थे ये? होते थे, कम होते थे ना, अभी बस हालात की वजह से जो कस्टम थे उनको मैंने लेबर को निकाल दिया। अच्छा, महंगाई की वजह से पूरा नहीं। सही सही, घर का किराया देना। हाँ हाँ, चले अल्लाह। सिर्फ ये कहूँगी, देखिए मैं यहाँ मेहनत कर रही, बिल्कुल ठीक है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हाँ हाँ। वो भी की अपनी मेहनत से आगे आई हूँ, ठीक है, किसी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन मेरे पास इतना जरिया नहीं है, मेरे को अल्लाह ताला इतना देता है कि मैं गुजारा हो जाऊँ, बिल्कुल ठीक है, मेरे को बचत नहीं, गुजारा हो रहा है, अल्लाह ताला दे रहा है, शुक्र करती हूँ अल्लाह का। लेकिन मुझे गलत अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं उनकी जहनियत खुद की, नहीं गलत अल्फाज में इस्तेमाल करने चाहिए, जो भी कर रहे हैं बिल्कुल खुद इस तरह, बंदा अपनी मेहनत कर रहे तो किसी को गलत अल्फाज नहीं कसने चाहिए। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता जो भी बोले, मुझे अपने अली पे यकीन है, मेरे हस्बैंड मेरे पे यकीन करते, मेरे बच्चे करते, मुझे आप लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोकने वाले बहुत भोकते हैं। हाँ, किसी के बोलने पे कान नहीं दे रहे, बस अल्लाह बड़ा है, शुक्र है। चले थैंक यू। हमारे पास कुंग पाओ चिकन, चिकन बर्गर और ये चिकन चाउमीन। आपके भाई को इनका चिकन बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अभी आंटी ने चाइनीज़ पे एक्सटेंड किया था, तो आपके भाई आ गया, पहुंच गया चाइनीज़ खाने के लिए। पहले आंटी वायरल हुई थी अपने सिंगर बर्गर से, तो वो पहले मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा होता आई बटन में, दस्ती जाके देखो जाके।
कौन पाव चिकन खाते है, ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। उसपे पीनट वगैरह भी डले हुए, पीनट है, मिर्चे, शिमला मिर्च, प्याज। बहुत टाइट, उसको क्या कहते हैं वो ब्लैक क्या कहते हैं, सोया सॉस की भाई बहुत टाइट टेस्ट आ रहा है। अब प्याज पीनट हर चीज़ डाल के आगे चेक करते हैं यार, ये कैप्सिकम वगैरह हर चीज़ आनी चाहिए, मज़ा तभी आएगा। वैसे ये वेजिटेबल फ्राइड राइस है, एक ह्यूज बाइट। अच्छा सा एक चाइनीज में देसी टेस्ट आ रहा है, देसी टच आ रहा है, बहुत टाइट भाई। खाली वेजिटेबल फ्राइड राइस खा के देखते हो कि क्यों वेजिटेबल फ्राइड राइस है, उसे भी घर पे खाते रहते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत टाइट। अब खाते हैं ये चाउमीन। आपके भाई हर चीज़ के अरेंजमेंट रखते हैं, आपके भाई के पास चाउमीन खाने के लिए चॉपस्टिक्स मौजूद हैं, तक आपके भाई के पास भाई चॉपस्टिक आ गई चाउमीन खाने के लिए। ये चॉपस्टिक मैंने मंगवाई थी न्यू कराची में, एक कार्ड था उसके लिए मंगवाई थी भाई, मेरे पैसे तबाह हो गए थे उसकी वजह से। 500 रुपए की मैंने चॉपस्टिक मंगवा ली, चाउमीन इतनी कोई घटिया किस्म की थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था भाई। आंटी तो अपनी चीज़ में महारत रखती है, अब आंटी की चाउमीन देखते हैं। हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट है भाई, बड़ा टाइट टेस्ट है। चिकन भी भाई सही नज़र आ रही है, आंटी तो फिर भाई आंटी है ना। बेहतरीन वेजिटेबल की क्वालिटी भी भाई बहुत टाइट डली हुई है, चाउमीन भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। देखो इतनी इतनी बड़ी कैरेट डली हुई है, और उधर जिधर मैंने खा रहा है इतना इतनी सी कैरेट थी भाई, इतनी पतली, मज़ा वहाँ बिल्कुल भी नहीं आई था भाई। क्यों बंदा झूठ बोले, जो बात हो वो सच बोले। बहुत टाइट भाई। अब क्योंकि मैं लास्ट टाइम बहुत पहले आंटी के पास आया था, इनका चिकन बर्गर मुझे बड़ा टाइट लगता है, मैं दिखा दूँ आपको। सिंपली पेटी है, थोड़ी सी सॉस है और क्यूकम्बर है, और कुछ भी नहीं है भाई। पेटी देखो बर्गर से भी बाहर आ रही है। अब ये आंटी का बर्गर खाते हैं, और फ्राइज भी भाई साथ में देती है, 250 रुपये का बर्गर है, साथ में फ्राइज भी है। आंटी के बर्गर पे एंड चिकन बर्गर पे, वैसे आंटी मशहूर अपने जिंदा बर्गर के लिए भाई। लेकिन आपको भाई को जो चीज़ पसंद आ जाती है और वो कम चीज़ नहीं होगी भाई, आप समझ सकते हो। हल्की चीज़ें अगर आपका भाई खाना पसंद नहीं करता, तो भाई आंटी ने चाइनीज ट्राई कर दिया हमने, कुन पाव चिकन। अगर आप
स्पाइसी लवर है और टाइड है भाई कुनफा चिकन आंटी का। उसके अलावा चाउमिन, चाउमिन का भाई क्वान्टिटी भी बहुत टाइड थी, टेस्ट बड़ा टाइड था भाई। भाई लोकेशन में आपको गाइड कर दूँ, परवेज यामीन कबाब हाउस सामने, सामने परवेज यामीन कबाब हाउस है, उसके बिल्कुल सामने एच एम फ्राइड चिकन है भाई। आंटी जिंगर से वायरल हुई थी, अगर आपने आपको जिंगर पसंद है तो आप इनके पास जिंगर भी खा सकते हैं, वरना इनका चाइनीज भी भाई बहुत अच्छे है। बिल्कुल फूड कार्ट लगाया हुआ आंटी ने, लेकिन एक रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मैसर है भाई। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।